वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और आज मैं 10 बजे किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि आज सब लोग घर पर ही हैं, तो मैं इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बना रही हूँ क्योंकि जल्दी तो कोई उठा नहीं था आज, और इसलिए आज मैंने पहले घर के काम निपटाए सारे अपने, फिर दोनों बच्चों को नहलाया, उसके बाद मैं रेडी होकर आ जाई हूँ किचन में। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए मैं प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा काटूँगी चाकू से, मतलब मैंने काटा ही था चाकू से बड़ा बड़ा, और टमाटर को भी ऐसे ही चाकू से काट कर डाले थे, ये ऐसे अच्छे लगते हैं चॉपर करके या ग्राइंड मिक्सर में ग्राइंड करके तो अच्छे नहीं लगते, तो चाकू से काट कर ही डालूँगी। और मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डालूँगी, शिमला मिर्च को मैं थोड़ा पका कर तब उसमें मैक्रोनी डालूँगी, थोड़ी कच्चापन सा रहता है शिमला मिर्च में तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं किचन में कैमरा थोड़ा धुंधला सा आ रहा था तो क्लियर वीडियो नहीं बन पाई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को भी डाल दिया है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे कि वो पक जाएगी अच्छी तरह से। यहाँ पर जब हमारा मसाला रेडी हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन डाली थी उबाल कर, फ्राई करके नहीं डाली थी, फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें मैक्रोनी।
और फिर बस 5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी मिक्स करके। मोक्ष को यहाँ पर बड़ी जल्दी हो रही थी कि मम्मा कब बनेगी, बच्चों को रहता ही है कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो जब तक हमारी मैक्रोनी इधर तैयार होगी, तो मैंने उधर चाय भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। और मैं सबसे पहली प्लेट मोक्ष की लगाऊंगी, मैं बच्चों की प्लेट सबसे पहले लगाती हूँ। और हर घर में यही होता होगा कि सबसे पहली प्लेट बच्चों को दी जाती है। भैया एक वो फॉर्म सा दे रखा था, उसका भी हुआ कुछ? अच्छा ठीक, ये तो तुम्हारा प्रोफेशन नंबर है। मेरा डेबिट वाला बनवाना था। मिला पड़ता है थे मार्केट शाम के टाइम, लेकिन हमारा काम हो नहीं पाया था। मैं उनको वापस ही देकर आ गई थी। भैया कहने लगे थे कि इससे बड़ा साइज़ नहीं है हमारे पास, आप लोग कहकर बनवा लो साइज़ आपका जो भी है कुशन का। तो फिर वो कहने लगे कि आप कोई बात नहीं वापस कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम उन्हें वापस देकर आ गए थे। तो इतने दिनों से जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा था वो हमारा पूरा नहीं हुआ था, पर ये है कि वो वापस हो गए थे, तो हम उनको वापस देकर निकल गए थे घर की ओर। मार्केट से आने के बाद मैं बनाने लग गई थी चाय। आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हमारे साथ चाय को। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, और हमारी चाय बन गई है, आप लोग भी पी लीजिए। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक बाय बाय।